नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। एनडीए में ईर्ष्या युद्ध की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि एनडीए के जो घटक हैं वो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, या फिर अगर हम देसी अंदाज में कहें तो लोग कहते हैं कि एक दूसरे से कुढ़ने लगते हैं, कुढ़न हो जाती है। क्या वाकई बिहार की सियासत में ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि बिहार के नेता जो हैं वो ये दावा करते हैं कि राजनीतिक विरोध जो भी हो लेकिन व्यक्तिगत तौर पर रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, मधुर रहे हैं। लेकिन एनडीए के दो घटक जेडीयू और आरएलएसपी के बीच ऐसा नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच खटास जो है वो राजनीतिक तौर पर जो है पहले से थी, उससे इतर हटकर अब निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी नेताओं के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और ये तब साफ हुआ जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरएलएसपी नेता ने बयान दिया। वाकई क्या जेडीयू ने जो कहा वो सही है? क्योंकि जेडीयू का पलटवार ये आया कि उपेंद्र कुशवाहा दरअसल सियासी विरोध नहीं कर रहे बल्कि ईर्ष्या की राजनीति कर रहे हैं और वो नीतीश कुमार से जलते हैं, इस वजह से इस तरह के बयान देते रहते हैं। उस पर आरएलएसपी ने भी प्रतिक्रिया आपने दी है, हम आप पर आपको सब विस्तार से दिखाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। नीतीश से जलते हैं कुशवाहा। आप किसी के विरोध का तो जवाब दे सकते हो, लेकिन ईर्ष्याओं का जवाब देना किसी के लिए संभव नहीं। सुशासन पर सुलगते सवाल। हमने मुख्यमंत्री जी से पहले भी कहा है कि खुद उनको इन चीजों को देखना चाहिए, गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए, अन्यथा लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिहार एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के बीच रिश्ते सामान्य नहीं। कहा जाता है बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन। नीतीश कुमार ने ही कभी उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था। बाद में वे नीतीश कुमार से अलग हुए, फिर साथ आए और जब नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा तो वे विरोधी हो गए, आरएलएसपी नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। अब नीतीश कुमार एनडीए में है तो कुशवाहा लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं। खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कुशवाहा तो विपक्ष से भी ज्यादा मुखर है। चिंता का विषय है और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से पहले भी कहा है कि खुद उनको इन चीजों को देखना चाहिए, गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए, अन्यथा लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। यही कारण है जेडीयू इसे कुशवाहा का सौतिया डाह बता रहा है, जबकि आरएलएसपी के नेता अपने सुप्रीमो के बयान को 100% सही बता रहे हैं। नहीं, आप किसी के विरोध का तो जवाब दे सकते हो, लेकिन ईर्ष्याओं का जवाब देना किसी के लिए संभव नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की बात है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा ईर्ष्या की राजनीति नहीं करते। अगर ईर्ष्या की राजनीति और कुर्सी से चिपकने की उनकी आदत रहती तो राज्यसभा छोड़ के अपनी पार्टी नहीं बनाती। ईर्ष्या किसकी हो? ईर्ष्या तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को हो सकता है। बिहार एनडीए में सब ठीक नहीं है। एनडीए छोड़ने का बहाना खोज रहे हैं कुशवाहा। नीतीश से नफरत करते हैं कुशवाहा। जेडीयू के एनडीए में आने से असहज है आरएलएसपी। एनडीए की कमजोर कड़ी साबित होंगे कुशवाहा। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुशवाहा एक बार नहीं, बार बार नीतीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनडीए के कुशवाहा कांड पर विरोधी भी नजर रखे हुए हैं, उन्हें भी इसमें संभावना नजर आ रही है। ईर्ष्या तो वो मेरे हिसाब से उनसे जनता दल यू करती है, क्योंकि अब उपेंद्र जी का जनाधार लगातार बढ़ा है। उनके 2 MP जीते थे, इनके 3 MP हैं, तो ईर्ष्या तो इनको नहीं करना चाहिए। जायके के बाद अब बिहार की सियासत में ईर्ष्या, नफरत और जलन का तड़का लग रहा है। चुनावी सीजन में अभी बहुत व्यंजन पकेंगे, शब्दों के कई मसालों की छौंक लगेगी। लेकिन एनडीए में जिस तरह से कुशवाहा सीएम नीतीश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले कहीं एनडीए का जायका ही ना बिगड़ जाए। दिल्ली से धीरज ठाकुर के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि एनडीए में क्या ये एनडीए की हेट स्टोरी है? एक दूसरे से नफरत के भाव आ चुके हैं एनडीए के अंदर, घटक दलों के अंदर। अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर ये गठबंधन के लिए चिंता की बात है, और गठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक है बीजेपी, उसके लिए बहुत बड़ी चिंता है कि सहयोगियों को कैसे एकजुट रखे। इस पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराएं। आरजेडी की तरफ से विधायक विजय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं।
बीजेपी की तरफ से एमएलसी विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी हमारे साथ हैं, जेडीयू की तरफ से अरविंद निषाद जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत हम माधव आनंद जी आपसे करेंगे। एक बड़ा बयान आया और ये बयान जो है जाहिर तौर पर यह सियासी विरोध का बयान नहीं है, यह व्यक्तिगत विरोध का बयान आ गया है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जिस तरह की बातें जेडीयू खेमे से आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चूंकि नीतीश कुमार के कद से या उनके प्रभाव से जलते हैं, चढ़ते हैं, इस तरह की बातें। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा हमेशा जो है बिहार के हित की बात उन्होंने कही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात हो। क्या हम लोग एनडीए में है, बीजेपी बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है क्या उससे खुश है? क्या जेडीयू जो अभी रूलिंग पार्टी है और जिनके जैसे मुखिया भी मुख्यमंत्री हैं, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर से खुश है? आप देखिए कि विगत एक साल में छह महीने में तो हम लोग के पार्टी के जैसे कम से कम 10 युवा कार्यकर्ताओं की जो है हत्या की गई है। हम लोगों ने सरकार से डिमांड किया कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। भाई हम लोग तो क्या गलत हम लोगों ने बोला और कोई उसको ईर्ष्या की राजनीति बताए? अरे माननीय उपेंद्र कुशवाहा को किससे ईर्ष्या हो सकती है? माननीय उपेंद्र कुशवाहा आज के डेट में बिहार में सबसे टॉलेस्ट वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं और यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं और सब लोग इस चीज को जानते हैं। अगर ईर्ष्या किसी दूसरे को हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा जी को ईर्ष्या हो जाएगी। और वो भी केसी त्यागी जैसे बड़े नेता स्टेटमेंट देते हैं इस तरह के, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दिखाता है कि जेडीयू कितना इनसिक्योर है उपेंद्र कुशवाहा जी से। बिहार की सियासत जो है या जेडीयू और आरएलएसपी की खटास जो है वो इस स्तर तक कैसे आ गई, बड़ा सवाल तो ये है माधवानंद जी। ऐसा क्या हुआ कि हम उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जो कभी साथ हुआ करते थे, ठीक है राजनीतिक तौर पर विरोध हुआ, अलग हो गए, लेकिन खटास इस लेवल पर कैसे आ गई? नहीं, खटास देखिए, जहां हम लोग क्या है, हम लोग अगर क्रिटिसाइज की बात होती है तो कुछ गलत हुआ है तो उसमें क्रिटिसाइज हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। मैं ये बता रहा हूं, अगर शेल्टर में जैसे मुजफ्फरपुर कांड हुआ तो उसमें कौन सी पार्टी ने क्रिटिसाइज नहीं किया? बीजेपी ने भी इसको माना कि यह गलत हुआ है। अगर सरकार की विफलता है कहीं ना कहीं इसमें, तो उसमें मैंने, अरे सरकार को आप सपोर्ट करो, इसका थोड़ी अर्थ है कि मैं गलत चीज को भी सपोर्ट करूं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, आए दिन बिहार में घटनाएं बढ़ रही हैं। ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है ऐसा वहां की बिहार की सियासत में कि अगर बीजेपी किसी चीज को कहती है कि गलत हो रहा है तो वो ये कहती है कि वहां पर अपराध हुआ, वहां अपराधियों ने जो किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आरएलएसपी के बारे में कहा जाता है कि आरएलएसपी से बयान ये आता है कि सरकार फेल है, सरकार नाकाम है, ये सरकार की नाकामी। देखिए, यही नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। अगर सुशासन बाबू के नाम से कोई व्यक्ति जाना जाए और बिहार में आपराधिक घटनाएं अगर बढ़ जाए, और आप लोग भी हर दिन दिखाते हो कि इस जिले में ये घटना हुई, आज बिहार की महिलाएं अपने आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, आए दिन हर जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। अगर हम लोगों ने उस चीज को मांग किया है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप इसको देखिए क्या हो रहा है बिहार में, कहा आप जंगल राज की बात करते थे, जंगल राज क्या आरएलएसपी की नजर सीएम की कुर्सी पर ही सिर्फ? देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा कुर्सी से चिपकने वाले इंसान नहीं, अगर कुर्सी से चिपकने की बात रहती तो राज्यसभा छोड़ के अपनी पार्टी नहीं बनाते। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो बिहार के हित की बात करते हैं, देश की हित बात की बात करते हैं, न कि हम लोग कुर्सी से चिपकने वाले। ठीक है, जेडीयू की तरफ चलेंगे। अरविंद निषाद जी, अमूमन मैं इस तरह के बयान में चूंकि विरोधियों की प्रतिक्रिया लेता हूं कि विरोध में, लेकिन यहां पर विरोधी एनडीए के अंदर ही बन गए हैं, यह बयान क्यों आया? केसी त्यागी को ऐसा क्या लगा या ऐसा क्या हो गया नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जब यह लगने लगा कि ईर्ष्या की राजनीति होने लगी है? अरविंद निषाद जी, आपसे हमारा सवाल था। देखिए अभिषेक जी, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि पूरे बिहार में जो भी अपराध की घटनाएं घटित हो रही है उन सभी अपराधों में शामिल एक पार्टी के लोग जो अभी तक आइडेंटिफाइड हुआ है उस पर सरकार ने कार्रवाई की है और कार्रवाई ही नहीं की है। नहीं, मैं आपसे कार्रवाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो चर्चा होगी तो फिर आधे घंटे बाद इस मुद्दे पर हमारा समय खत्म हो गया। बताइए, जेडीयू को ये बयान क्यों देना पड़ा? अरे मैं आ रहा हूं भाई, उपेंद्र कुशवाहा चिढ़ते हैं या जलते हैं? अरे मैं आ रहा हूं ना, उस पर तो उस कांड में सभी सम्मिलित अपराधियों को सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार की और ऐसे लाखों के पीछे है। आप कहेंगे तो मैं नाम भी गिनाऊंगा, लेकिन उसमें समय जाया होगा। लेकिन अब यह बताएं आरएलएसपी के जो यहां साथी बैठे हुए हैं कि आखिर क्या कारण हुआ कि अचानक इनका सरकार के ऊपर वार होने लगा। यह वार यह दर्शाता है कि हमारे नेता से इनकी ईर्ष्या हो गई है,
ठीक ही हमारे प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि ईर्ष्या बस चूंकि हमारी पार्टी और हमारे नेता ने इनको क्रिएट किया हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी से। उपेंद्र कुशवाहा जी उस तरह की ईर्ष्या की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। कहां गए सुशासन बाबू, हम लोग अभी भी कर रहे हैं, हम लोग अभी भी सब बना रहे हैं, आगे भी हम लोग चाहते हैं। लेकिन आप सुशासन बाबू कहां गए? बिहार में क्राइम की घटना अगर बढ़ रही है तो आपको चिंतित होना चाहिए। आपके नजर के सामने विगत छह महीने में हमारे नेताओं की कितनी हत्या हुई है, आप कितने संवेदनशील है, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, आप उस पर बात कीजिए ना। ईर्ष्या की राजनीति, अरे ईर्ष्या किसमें हो जाएगा? नहीं थे आपको ईर्ष्या हो जाएगा? आपको आपको इतिहास चक्र की जानकारी नहीं है? मुझे आप जानकारी देंगे मुझे इतिहास चक्र की? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने क्रिएट किया है आपके नेता को, आपके नेता को बनाया है, आपके नेता का सृजन किया है। इसलिए आज आज महत्वाकांक्षा बस जो महत्वाकांक्षा का अंकुरण ये, हुआ ये, ये एक बड़ा ये एक ऐसा बयान है। देखिए कोई उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को समाज के हर वर्गों का सपोर्ट है और ये कहना कि नीतीश जी ने बनाया है, मैं ये कह सकता हूँ कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा के कारण। मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ, आज उपेंद्र कुशवाहा जितनी बड़ी शख्सियत है, समाज के हर वर्ग, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, सब लोगों का सपोर्ट उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद निषाद जी ठीक है, हो गई है। इसमें बहुत ज्यादा कड़वाहट की जरूरत नहीं है। नवल किशोर यादव जी से हम बात करें, लेकिन उससे पहले आरजेडी से हम बयान ले लेते हैं। आरजेडी से विजय प्रकाश जी, जरा एक बात बताइए, ये जो कहा जा रहा है क्या नेता किसी के बनाने से बनते हैं? क्योंकि जेडीयू ये बार बार दावा करती रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बनाया और आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बढ़ते कद से कहीं ईर्ष्या में ग्रस्त हो गए हैं, ईर्ष्या से अब ज्यादा उन पर प्रभाव आ गया है इसका। देखिए अभिषेक जी, यह निरंतर जो है चलते आ रहा है, आज से नहीं, किसी न किसी को पकड़ कर जो है किसी के नेतृत्व में जो है लीडर पैदा होते हैं। इसका मतलब नहीं है कर्पूरी जी को पकड़ कर जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बने, लालू जी को पकड़ कर नीतीश कुमार जी बने, ये तो गलत क्यों है, अलग ये हो गलत है। नीतीश कुमार जी उस समय नेता थे, सुन लीजिए, केंद्र में, अरे आपको नहीं मालूम है, यहाँ पर नवल जी बैठे हुए हैं, मंत्री थे, संसदीय दल के, अरे आप थे, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, युवा लोक दल के अध्यक्ष धोखाधड़ी विजय प्रकाश जी आप अपनी बात कहिए आप अपनी बात कहिए। जब बात कीजिए तो अपने हैसियत और औकात कम कर बात कीजिए। आज हमारी हैसियत है कि हम सरकार में हैं, आप विपक्ष में हैं, आप हमने आज हमारी हैसियत है कि हम सरकार में हैं और पहले संवेदनशील होंगे और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पा रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी संवेदनशील नहीं है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ठीक है, ठीक है, आपने अपनी मांग रख दी है। एक मिनट विजय प्रकाश जी, देखिए विजय प्रकाश जी, आप सबसे गुजारिश है एक एक करके अगर अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लोग सुन पाएंगे। हम आपके पास फिर विजय प्रकाश जी, आप अपनी बात कहिए, आपस में मत लड़िए। जी अभिषेक जी, जी हाँ अभिषेक जी, जिन बातों का चर्चा हुआ कि ईर्ष्या के कारण, तो कौन सा गलत बात बोले हैं? आज जो है डबल इंजन की सरकार में इनका पूछ घट गया, ये जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है सरकार बनाने का काम किए, आज उनके महत्व को जो है नीतीश कुमार जी के कारण घटाया जा रहा है। अपनी बात वो रख रहे हैं, वो भी है, आज के तारीख में अपना हैसियत बिहार में रखते हैं, इसलिए चलिए ठीक है, यानी आपको लगता है कि उनका बयान सही है, नहीं है, चलिए ठीक है, शासन आज ठीक है, विजय प्रकाश शासन आज जो है खत्म नहीं हो चुका है। आपने अपनी बात कह ली, नवल किशोर यादव जी के पास चलेंगे, बिल्कुल नवल किशोर यादव जी, नवल जी के पास, बिहार जो है आज ठीक है, ठीक है, ये महापाप जो हुआ है मुजफ्फरपुर में, ये जो बिल्कुल आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। अब नवल जी के पास, नवल जी जरा एक बात बताइए, आप गठबंधन का सबसे बड़ा घटक हैं, आप गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती कि जब दो सहयोगी लड़ते हो और लड़ने का स्तर जो है वो निजी तौर पर आ जाए, जब इस तरह के बयान हो कि एक दूसरे से कुढ़न हो, ईर्ष्या है,
तो फिर बीजेपी के लिए भी चुनौती बढ़ जाती है। देखिए कोई चुनौती नहीं है, सोचने सोचने का अंदाज है और एक भ्रम है। जहां परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं, दो तीन चार पांच सात हो, तो किसी से किसी को वैचारिक कन्फ्रंटेशन हो सकता है, लेकिन उस परिवार में जो उसका नेतृत्व करते हैं, जो उसका मुखिया होता है, सब आपस में बैठ के बात करता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस प्रॉब्लम को भी आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको भी पार्टी बैठ के सॉर्ट आउट करेगी। और ऐसा दुनिया में हमको बताइए कि कोई ऐसा समूह हो जहां वहां जहां लोकतांत्रिक विचारधारा हो, सब आदमी को बोलने की स्वतंत्रता हो, उसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो, एक विचार कई आदमियों को मिले, ऐसा नहीं होता है। भिन्नता होती है, लेकिन संगठन का मतलब और अलायंस का मतलब होता है उसको समेटते हुए सब वापस में कदम से कदम बढ़ाना और इसको मंजिल तक पहुंचाना है। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा मोड़ा होता है। यानी आपको लगता है कि गठबंधन में अगर ये हो रहा है तो कोई ये चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर आदमी अपनी बात रख सकता है, ये आपको लग रहा है? लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तो पार्टी है ना। अच्छा ठीक है, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो एक छोटा सा जवाब आप और दे दीजिए कि कहा यह जा रहा है कि जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद जग गई कि वो एनडीए के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। ये जेडीयू खेमे से बार बार आवाज आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए, और ये बात उपेंद्र कुशवाहा को नागवार गुजर रही है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आप गठबंधन के सबसे बड़े घटक हैं। देखिए उम्मीद करने से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है, सरकम चांसे जाने से चीफ मिनिस्टर बनता है। इस राज्य में ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर बने हैं जिसको भविष्य के गर्भ में भी लोग नहीं जानते थे कि कौन चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वैसे वैसे राज्य में चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए ये सब कोई बात, हर आदमी राजनीति करता है तो जहां है उससे आगे की बात सोचेगा, तो ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये जो थोड़े मोड़े मुद्दे हैं, ये सब जहां परिवार में रहता है, एक जगह 10 को बर्तन रहता है, तो थोड़ा कहीं कहीं देहात में कहते हैं ढनढनाता भी है, उसको हम लोग संग्रहित कर लेंगे, बहुत चिंतित रहने की बात नहीं है। घर के रसोईया मजबूती से समझ रहे हैं कि ढनढनाए उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम बढ़िया से खाना पकाएंगे। नहीं अब आप लोगों से, हम लोगों के अच्छी बात है। एक बार फिर से माधव आनंद जी के पास चलेंगे, देखते हैं माधव आनंद जी इस पर क्या कहते हैं। माधव जी, बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी है जाहिर तौर पर एनडीए में, नेतृत्व कर रही है वो गठबंधन का, ऐसे में बीजेपी के लिए एक परेशानी होती है, जो कि नवल जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सहयोगियों में होता है। लेकिन हम ये कहें कि क्या आरएलएसपी और जेडीयू का एक साथ रहना मुमकिन ही नहीं है? ऐसा है क्या बिहार की सियासत में, इस तरह का हो रहा है क्या? देखिए एनडीए जहां तक है एनडीए इंटैक्ट है, और हम लोग उसमें कहीं भी हम लोग चाहते हैं कि एनडीए इंटैक्ट रहे। मैं ये सवाल आपकी तरफ भी ला रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार का एनडीए में वापस आना आरएलएसपी के लिए कहीं अनकंफर्ट जोन बन गया? हम लोग कोई अनकंफर्ट, हम लोग तो 2014 से बीजेपी के साथ है, नीतीश जी 2017 में आए हैं, हम लोग तो 2014 से पार्टनर है, हम लोग को 3 सीट दिया, हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया। नीतीश जी के आने से हम लोग इनसिक्योर नहीं है, हो सकता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो। जहां तक बात है कि हम लोग जैसे बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार के हित की बात करते हैं, आज आप अभी जो चर्चा कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहे हो, लॉ आप ग्राफ देखिए, आप ही लोग ग्राफ दिखाते हो, टेबल दिखाते हो कि विगत 6 महीने और साल भर में बिहार में अपराध की कितनी घटनाएं बढ़ गई है, अपराधी में खौफ नहीं है। अगर उस मुद्दे को अगर हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग मान कर रहे हैं क्या होनी चाहिए, आपकी उस बात को अगर हम मान भी लेते हैं तो भी कहते हैं कि गठबंधन धर्म एक होता है कि आप अपनी सरकार को थोड़ा बचाकर चलते हैं, यह सच है। यह हो सकता है कि छुपकर होता हो, लेकिन यह सारे सियासी दल करते हैं। अरे लेकिन आप सरकार के खिलाफ अगर मेरे विगत 6 महीनों में मेरे 10 कार्यकर्ताओं को हत्या हो जाएगी, मैं मुख्यमंत्री और माननीय उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट ट्वीट करके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप देखिए इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आता है, तो आप क्या आशा करते हैं? ये पीड़ा तो मुझे झेलना पड़ रही है ना, मेरे लोग जा रहे हैं ना, अगर मेरे परिवार में किसी की हत्या हो जाए तो दर्द मुझे लगता है। आपके कई ऐसे बयान हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उन्हें स्वेच्छा से पद त्याग कर देना चाहिए, वो सलाह बोला। नहीं, एक मिनट,
क्यों ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि क्या इस देश में क्या गलत बोला इस देश में? उन्होंने उन्होंने पूरे बयान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो भी कहा विद ए गुड इंटेंशन इन ए गुड फेथ और फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने जो कुछ भी कहा अच्छे इंटेंशन है। उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता है, 15 साल जब उन्होंने राजनीति की है बिहार का मुख्यमंत्री का, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बैठने में कतराते हैं। आप देखिए एनडीए के भोज में शामिल नहीं हुए, ऐसे एक नहीं एनडीए का भोज जो है बीजेपी की तरफ से था, नौकी जैसे जेडीयू की तरफ से था, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा उसमें सम्मिलित नहीं हुए तो निजी कारणों से सम्मिलित नहीं हुए। उनकी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी बीजेपी के नेताओं से कि व्यक्तिगत कारणों से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। बाकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गए थे, तमाम नेता गए थे। नीतीश कुमार के वो दिन नहीं देखे थे। विजय प्रकाश जी माफी के पास आ रहे थे। विजय प्रकाश जी आप इस पर बहुत बड़ी बात हो गई, इसका चर्चा आप कर रहे हैं और यहाँ खाली छीन लिए थे नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार जी, इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है गठजोड़ हो गया। ये आप समझिए एक बार जो है खाली लगा के रखे हुए थे नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी हवाई सर्वेक्षण करके निकल पड़े थे और जो है इनको इनके आने आए थे। इसकी चर्चा ऐसा लग रहा है, यानी विजय प्रकाश जी ऐसा आरजेडी को लगने लगा है कि एनडीए में फूट का कुछ फायदा महागठबंधन को मिलेगा। आरजेडी में गठबंधन हो गया है। हाँ इस तरह की बात हो रही है, हम तो गठबंधन की बात हो रही है। अरे हम लोग एनडीए के साथ आप 2017 में आए, 2014 से हम लोग एनडीए के साथ हैं। हम लोग देश हित में चाहते हैं कि माननीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने। आप कह रहे हैं गठजोड़ आप महागठबंधन से किए थे, महागठबंधन छोड़ के आप आए। आपको सोचना चाहिए कि आपने बिहार की जनता को धोखा दिया। हम लोग तो केंद्र के साथ हैं और केंद्र के साथ रहना चाहते हैं। आपने बिहार की जनता को धोखा दे के महागठबंधन से एनडीए में आए। हम लोग छोड़ेंगे? हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री को मजबूत करना चाह रहे हैं और चाहते हैं देश हित में फिर से प्रधानमंत्री बने। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार के सवाल पर हम लोगों ने साथ छोड़ा, भ्रष्टाचार के सवाल पर हम लोगों ने साथ छोड़ा और हम लोगों ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर क्या सत्ता है कुर्सी इसलिए हम पूर्वानुमान लगाया था कि आज नहीं तो कल इनको बेल लेना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। आप देखिए ना कि अच्छा अरविंद निषाद जी बेल पर, अरविंद निषाद जी जरा एक बात पे गौर कीजिए। इनका ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का या माधव आनंद जी अभी बैठे हैं उनकी पार्टी से, वो ये कह रहे हैं कि बातों को बेवजह का तूल जेडीयू ने दिया है और जेडीयू कहीं अनकंफर्टेबल है इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। केसी त्यागी बड़े नेता हैं, केसी त्यागी से जब पूछा गया कि लॉ एंड ऑर्डर पर उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बात को निजी तौर पर ले लिया और ये कह दिया कि कड़वाहट है या ईर्ष्या है। क्या जेडीयू ही कहीं अपने आप को अनकंफर्ट जोन में पा रही है? कहीं जेडीयू को ही लगने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा का साथ एनडीए के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं देखिए ऐसा है कि बिहार में हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, अच्छे तरीके से बिहार में सरकार चल रही है, बिहार में जो नंबर दो की हैसियत की भारतीय जनता पार्टी। अगर आप बड़ी जगह पर हैं तो आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि कोई आपसे चिढ़ता है या जलता है, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? एमएलए के साथ बड़ी पार्टी, अरे हम 71 एमएलए के साथ बड़ी पार्टी हैं। अरे दिखाते हैं आपको दाम दिए, ये बताने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ अच्छे तरीके से सरकार चल रही है जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लड्डू फूट रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा जेडीयू के केसी त्यागी का एक और बयान आया था जिन्होंने कुशवाहा जी की तुलना मधु कोड़ा से की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में आप 40 लोकसभा सीट पे लड़े और आप 2 सीट पे जीते और हम लोग 3 लोकसभा सीट पे लड़े और तीनों में 100% रिजल्ट दिया। कौन सी बड़ी पार्टी है? आपसे बड़ी पार्टी तो मेरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। नवल जी हम आपसे छोटी सी टिप्पणी आखिर में, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है नवल जी, आपसे बस छोटी सी टिप्पणी की, ये बताएं कि इस वक्त महागठबंधन के जो नेता हैं, महागठबंधन के जो दल हैं, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि एनडीए बिखरेगा और उनके गठबंधन को ताकत मिलेगी। क्या ये हो जाएगा क्या? अच्छा रास्ता चलते चलते अगर किसी को स्वप्न देखने की आदत हो जाए तो स्वप्न तभी आदमी को आता है जब मूर्छित अवस्था में जाए। तो अगर महागठबंधन के लोग मूर्छित होके एक्सीडेंट करना चाहते हैं अपने आप में तो उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए क्या करेगी? मैं पूरी तरह से अभिषेक जी मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारा गठबंधन है वह जिस स्थिति में है कल भी उस स्थिति में रहेगा। 40 के 40 सीट जीतेंगे,
जहां परिवार के अन्य सदस्य। चलिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके बाद थोड़ा सा सोचना मुश्किल लगता है, लेकिन उम्मीद में वैसा ही हो। महागठबंधन की भी अपनी उम्मीदें हैं और अपना भरोसा है कि शायद आप बिखरे और वो एकजुट हो जाए। तो ऐसे ही उम्मीद रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवल जी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया, अरविंद निषाद जी और माधव आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाद विभाग में फिलहाल इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड।